अभी की मझौली के थाना क्षेत्र अंतर्गत एवं सीधी जिले के समस्त नागरिकों को बधाई देता हूँ और उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसा उन्होंने सहयोग किया है, आगे भी पुलिस को लगातार सहयोग करते रहें, जिससे अपराध नियंत्रण में एवं अपराधियों के नियंत्रण में जैसा अभी तक कार्रवाइयाँ की जा रही थी, आगे भी अच्छी कार्रवाइयाँ की करके और आम जन को एक अच्छा माहौल दिया जा सके। आपके TNT चैनल को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं बधाई देता हूँ कि आगे भी वो अच्छी प्रयत्न करें और अच्छा आपका चैनल काम करें। नमस्कार, स्वागत है आपके न्यूज़ लाइव में। सच्ची खबर पर आप भी नजर रखिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार दोपहर वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। पायलट को इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये विमान कुशीनगर के ग्रामीण हिस्से में खेतों में जाकर गिरा। जैसे ही खेतों में ये विमान गिरा, उसके बाद गाँव वालों की भीड़ वहाँ पर एकत्रित हो गई। ADS इस जगुआर ने गोरखपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। प्लेन क्रैश होने से पहले ही पायलट ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। क्रैश होने के ठीक पहले पायलट विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि पायलट ने समझदारी का परिचय दिया और विमान आबादी वाले इलाके में क्रैश न होकर खेतों में जाकर गिरा, जिससे आमजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वायुसेना की ओर से इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया है। हादसे के बाद वायुसेना की ओर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। बीते साल गुजरात के कच्छ में भी लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हुआ था जून 2018 में। उस हादसे में पायलट संजय चौहान शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि ये विमान ट्रेनिंग के दौरान रूटीन उड़ान भर रहा था, लेकिन उड़ान भरने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि वायुसेना में जगुआर काफी खास किस्म का लड़ाकू विमान है। यह दुश्मन की सीमा में काफी अंदर तक घुसकर हमला कर सकते हैं। लड़ाकू विमान जगुआर की मदद से आसानी से दुश्मन के कैंप, एयरबेस और वॉरशिप्स को निशाना बनाया जा सकता है। जगुआर की खासियत है कि वह कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर भी दुश्मन की नाक में दम कर सकता है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता कृष्णा वर्मा की रिपोर्ट।